हाई एवरीबडी टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ लव शादी इन डेटिंग कोई भी सवाल है आपका इश्क के रिगार्डिंग रिश्ते के रिगार्डिंग फील फ्री टू आसकास द नंबर वन विच यू कैन कॉल आ सज आई एम टाइपिंग एट आउट एट थ्री सिक्स एट जीरो नाइन जीरो एट टू वन एंड अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल हंस टी वी Uh, तो ये जो सेशन हमने अरेंज किया है इट इज़ टू हेल्प यू गाइज विथ ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिलेशनशिप क्वेश्चन किसी के मन में कोई भी सवाल है जिसका वो हमसे आंसर चाहते हैं प्लीज कॉल आस ऑन एट थ्री सिक्स एट जीरो नाइन जीरो एट टू वन नाउ स्टार्टिंग द सेशन ऑफ आई एम अपराजिता सी ऑफ हंस मैट्रिमनी एंड हमारा जो सिक्स सेवन ईयर्स का एक्सपीरियंस है उस सब को हमने कुलेट किया है और आपकी हेल्प करेंगे टू टेक अ गुड पाथ इन ऑल योर रिलेशनशिप रिलेटेड क्वेरीज हाय अल कैफ चीपा जी हेलो वी रिसीव्ड योर हेलो वेलकम टू द सेशन वी आर हैप्पी टू हैव यू ऑनबोर्डेड जनरली अभी जो हम मेन uh, आज भी वी uh, मेट सिक्स पेरेंट्स इंड सिक्स यंग पीपल हु फॉर मैच और एक जो मेन सवाल निकल के आया वो ये था कि जब हम किसी लड़की या लड़के से मिलते हैं तो क्या चीजें हैं जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए अः uh, किन चीज़ों को किन क्वालिटीज को देखना चाहिए कैसे समझ में आएगा हमें कि ये अः uh, लड़का या लड़की हमारे लिए बेस्ट uh, रहेंगे या हमारी जिंदगी में हमारे पार्टनर बनेंगे तो इन सारे मुद्दों का जवाब पाने के लिए आपको लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा अगर आपको किसी भी लड़की में या लड़के में फिगर आउट करना है कि वो आपका हम सफर आगे चल के बन सकता है या नहीं उसके साथ टाइम गुजारिए उसकी चार पांच क्वालिटीज समझिए सबसे पहला ये समझिए कि उसके साथ टाइम गुजार के आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं क्या आपकी लाइफ उसके साथ टाइम गुजार के अः काफी खुशहाल हो रही है अब आपको आ, जब आप उनके साथ टाइम बिताते हैं तो क्या आ, कोई कमी महसूस होती है या आपको लगता है हाँ यही है मैम ओनली फाइव टाइम श्योर बहुत जल्दी लाखों होंगे बस ऐसे ही चलते रहो एम विथ यू ऑल राइट

रिलेशनशिप uh, रिलेटेड सवालों का जवाब देंगे right. uh, एक जो सवाल हमारे पास पहले से आ चुका है वो ये है कि एक फीमेल uh, व्यूअर uh, uh, ने हमसे पूछा था कि इन द कमेंट सेक्शन की uh, मैं अभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में हूं, बट uh, मैं कुछ महीनों के बाद अब बैंगलोर शिफ्ट होने वाली हूँ अभी हम दोनों डेली में हैं तो आई एम वेरी अभी हम साथ में हैं तो एवरी थिंग इज गुड लेकिन जब हम अलग रहेंगे तो मुझे नहीं पता है कि हम ये रिलेशनशिप आगे चला पाएंगे या नहीं तो बहुत अच्छा सवाल है इस पे हमारा सुझाव ये रहेगा कि एक रिलेशनशिप जो होती है उसमें कई सिचुएशंस ऐसी आएंगी जहां पे डिस्टेंसेस होंगे कभी आपका ट्रांसफर होगा कभी लड़के का ट्रांसफर होगा व्यूअर्स वी आर गेटिंग फर्स्ट क्वेश्चन तो आई जस्ट टेक दिस क्वेश्चन दिस कॉल इज कमिंग फ्रॉम स्वीडन ओके ऑल राइट हाय मेरा नाम है हाय अपूर्वा वेलकम टू लव डेटिंग इन शादी एपिसोड टू थैंक यू थैंक यू सो मच या सो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन नाउ ओके परफेक्ट परफेक्ट थैंक यू तो मेरा एक क्वेश्चन है मैं अभी एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हूँ और वैसे मैं काफी सीरियस रिलेशनशिप में हूँ लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में काफी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं

हमारे हिसाब से जो पांच चीजें आपको करनी चाहिए टू तो इंश्योर कि आपकी रिलेशनशिप कायम रहे बिकॉज डेफिनेटली इफ यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन इट मीन्स कि आप अपने पार्टनर uh, को लेके काफी सीरियस हैं तो एक चीज जो विदाउट डाउट करनी चाहिए यू शुड ऑन अ डेली बेसिस डू अ वीडियो कॉल विथ योर पार्टनर हैव अ फिक्स केड्यूल ड्यूरिंग विच यू बोथ विल कॉल ईच अदर इज दिस इंपॉर्टेंट क्योंकि जब आप एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक जो लाइव एक्सपीरियंस होता है उसका इमिटेशन एटलीस्ट आप कर सके तो मेरा पहला टिप ये होगा कि आप एक दूसरे के साथ डेली बेसिस पे वीडियो कॉल करिए दूसरी चीज कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो हम इमिटेट कर सकते हैं ऑन अ लार्जर स्केल जैसे कि अगर आप दोनों को कोई मूवी देखनी है अब जब हम साथ में रहते हैं तो वी गो एंड वॉच आउट अ मूवी टुगेदर तो नेटफ्लिक्स पे यू गाइज कैन वॉच द सेम मूवी एंड दैट वे जो uh, एक दूसरे के साथ कमेंट्री करी जाती है जनरली जब हम मूवीज साथ में देखते हैं तो डेफिनेटली देर इज अ बराज ऑफ कमेंट्री विच गोज ऑन जो और मूवी को इंटरेस्टिंग बना देता है तो मूवी साथ में देखिए एक साथ देखिए उससे भी एक एहसास आपको होगा तीसरी चीज जो आप कर सकते हैं वो ये है डिनर एक दूसरे के साथ करिए डिनर एक दूसरे के साथ करिए या लंच करिए या ब्रेकफास्ट करिए इट द डे बट व्हेन यू डू इट टुगेदर ओवर अ वीडियो कॉल और अ फोन कॉल एहसास होगा कि आप लोग एक साथ ही जुट के खाना खा रहे हैं आर मील टाइम्स मील टाइम्स जो होती हैं वो किसी भी कपल के बीच बहुत इंपॉर्टेंट लिंक होता है एक दूसरे को जोड़ने का चौथी चीज

या एक दूसरे की uh, चीज़ों को आप शेयर कर रहे हैं तो uh, बहुत अच्छी फीलिंग आती है एंड पांचवी चीज जो आप कर सकते हैं प्लान सम एक्टिविटीज विच बोथ ऑफ यू इंजॉय इट कैन बी रॉक क्लाइंबिंग इट कैन बी यू नो यू नो गोइंग आउट फॉर क्लबिंग विथ फ्रेंड्स मे बी एंड ये पांच टिप्स आर Uh For you, when you guys are not together, but definitely once a year, twice a year, try meeting each other at least for a week, so distance between you can be and you are able to successfully manage your long-distance relationship. Uh, uh, long-distance relationship. Uh, I hope I have answered your question, uh, and it was a very good question. I think a lot of uh, new generation couples are grappling with it. तो बहुत अच्छा सवाल था uh, अगर आपके मन में कोई और डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क बट आई एम श्योर ये पांच टिप्स आप यूज करेंगे तो आपको जो आप इश्यूज फेस कर रहे हैं या जो मुद्दा आपको लग रहा है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में वो काफी हद तक कट डाउन हो जाएगा थैंक यू सो मच टू हंस माइट्री फॉर दिस वंडरफुल एडवाइस मैं जरूर फॉलो करूंगी इसको थैंक यू सो मच मैम योर वेलकम थैंक्स लॉट थैंक यू Uh, so it was uh, it was a very uh, insightful question, and coffee young couples we've noticed grapple with this. So, we are getting a lot of comments from Irenuka Sani uh, Ji, she's saying hello. Uh, Sham K. Ji is, selling, uh, hello, uh, is saying hello. Uh, Anupam is giving us hearts, thanks a lot. so sweet we appreciate all our viewers uh, for showing us with so much love mujhe hina kisi ladki se baat karne mein dar lagta hai i don't know why so main shuru se hi single hu no girlfriend okay so we've gotten a question in the comment section इनका uh, uh, इनका सवाल ये है कि मुझे लड़की से बात करने में डर लगता है मुझे नहीं पता क्यों डर लगता है लेकिन मैं शुरू से ही सिंगल हूँ कोई गर्लफ्रेंड नहीं है कोई क्रश नहीं है कोई एक्स नहीं है ओके okay, तो ये सवाल भी काफी लोग ग्रैपल करते हैं स्पेसिफिकली इन इंडिया जहाँ पे बहुत ज्यादा ऑपोजिट जेंडर इंटरक्शन को प्रमोट नहीं किया जाता है तो डेफिनेटली अलकै जी तो ये सवाल आपका काफी अच्छा है मैं इस पर सुझाव यही दूंगी कि ये जो इंटरक्शन है धीरे धीरे करना स्टार्ट करें अगर आपको किसी लड़की से बात करने में डर लगता है तो स्टार्ट बाय बीइंग फ्रेंड्स फ्रेंडशिप कीजिए पहले uh, अपने uh, uh, जो आपका फ्रेंड्स का सर्कल है उसमें लड़कियों से भी दोस्ती कीजिए लड़कियों के बारे में थोड़ा जानिए थोड़ा फ्रेंडशिप uh, कीजिए दूसरा अगर आपके घर में सिस्टर्स हैं काज हैं तो उनसे बात कीजिए उनसे समझने की कोशिश कीजिए कि की लड़कियों को क्या चीज़ें पसंद हैं आप कैसे गर्ल्स को अप्रोच कर सकते हैं बट माय सिंगल बिगेस्ट सजेशन वुड बी कि आप पहले लड़कियों से फ्रेंडशिप करने की कोशिश करिए उसके बाद डेफिनेटली जब आप फ्रेंडशिप करेंगे तो आपको उनके टेस्ट के बारे में लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में पता चलेगा एंड देन यू कैन टेक थिंग्स फॉरवर्ड शमा शर्मा जी का हेलो मैम आ रहा है श्याम श्री जी कह रहे हैं अपन के साथ रहा है बाकी पेरेंट्स देख लेंगे एब्सिल्यूटली इंडिया में अरेंज मैरिजेस इज स्टिल 80% uh, of the uh, of Indian population goes for arranged marriages, so in case you are not able to find a partner on your own, uh, you, you can join hands with Hans Matrimony. We specialize in giving personalized matchmaking services, and we'll help you find your perfect partner. If you are liking the session, do uh, share and subscribe to our channel. We would appreciate all your love. अनुसुया बजाज जी का भी हलो आया है इसमें उनका सवाल है हाउ टू डील विथ वन साइडेड लव अनुसुया जी डेफिनेटली इफ यू फील की सम्बडी इज अप्रोचिंग यू एंड देखिए क्योंकि आपने सवाल डिटेल्ड uh, वर्जन में नहीं पूछा है तो आई एम अज्यूमिंग कि वन साइडेड लव में uh, दो पार्टीज होती हैं या तो आप किसी को प्यार करते हैं एंड द अदर पार्टी या फिर कोई आपको प्यार करता है एंड आप उस लड़के को uh, प्यार के तरीके से uh, नहीं अपनाना चाहते हैं तो अगर आप पहली सिचुएशन में हैं कि आप किसी को पसंद करते हैं एंड यू आर नॉट गेटिंग बैक दैट लव माई एडवाइज वुड बी कि रिश्ता बनाने के लिए हमेशा दो लोगों की हाँ की जरूरत होती है तो uh, हमें एक ऐसा साथी ढूंढने की जरूरत है जहाँ पे वो भी हमें चाहे और ये लाइफ में हर चीज के लिए इम्पोर्टेंट है आप दो कुछ अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करिए डू समथिंग विच यू लाइक इट कैन बी अ मूवी ओके आई एल इन माय टॉक हियर आई एम गेटिंग अनदर कॉल कॉल हेलो हाय, वेलकम टू लव डेटिंग इन शादी एपिसोड टू या हाय, मेरा नाम राहुल है हाय राहुल मेरा एक क्वेश्चन था अराउंड रिलेशनशिप So uh, अपने uh, uh, काफी टीरियस हो रहा है धीरे धीरे तो मैं लेकिन अभी तक लाइक like, मेरे गर्ल गर्फें, गर्लफ्रेंड ने अपने पेरेंट्स को हमारे बारे में नहीं बताया तो और मतलब और अभी तक ऐसा लगता है की That is creating a little pressure on my side also, whether this is right relationship for me or not और मुझे नहीं समझ आ रहा कि मुझे क्या टिप्स होंगी इसमें कि मैं कैसे मूव करूं या उनको क्या सजेशन दू जिससे उनका ये डर हट सके और हम और आगे बढ़ सके इसमें राइट right. तो देखिए अगर आपकी जो पार्टनर हैं उनको डर लग रहा है अपनी फैमिली के साथ आपकी रिलेशनशिप डिस्क्लोज करने में तो uh, मेरे हिसाब से माय फ्रेंड मे बी शी इज़ नॉट सीरियस बिकॉज डर वहाँ पे होता है जब आप किसी चीज़ को लेके इतना सीरियस नहीं है कि पेरेंट्स को कन्फ्रंट कर सकें पेरेंट्स को बता सकें दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि मे बी जिस जीवन के पड़ाव पे आप लोग हैं आई एम नॉट श्योर अबाउट योर एज माई फ्रेंड बट अगर आपकी एज uh, uh, कम है एंड लड़की भी जो है वो उसकी भी एज कम है तो डेफिनेटली मे बी शी इज फीलिंग की इट इज नॉट द राइट टाइम टू टॉक टू द पेरेंट्स बिकॉज लड़कियों के पेरेंट्स जो होते हैं uh, वो जल्द से जल्द लड़की की शादी करना चाहते हैं तो मे बी शी वॉन्ट्स मोर टाइम

किस कारण से डिस्क्लोज़ नहीं कर पा रही हैं क्या उनके मन में डर है बिकॉज शी इज नॉट सीरियस अबाउट द रिलेशनशिप या शी फील्स की शी इज टू यंग टू बी स्पीकिंग अबाउट दिस विद द पेरेंट्स या तीसरा करियर में वो और आगे किसी मुकाम पर फतेह हासिल करना चाहती हैं पहला अगर है डर तो डेफिनेटली यू माइड हैव टू टेक समिसजन्स बट सेकेंड या थर्ड सिचुएशन है तो डेफिनेटली उनके साथ बैठ के फिगर आउट कीजिए कि इस टॉक uh, uh, को इस कॉन्वर्जेशन को पेरेंट्स के साथ आप कब अप्रोच करेंगे ओके थैंक लॉट थैंक यू तो या बिफोर वी गॉट दिस क्वेश्चन अगेन अ ग्रेट क्वेश्चन हमें वन साइडेड लव के बारे में हम बात कर रहे थे तो वन साइडेड लव का माय फ्रेंड्स द ओनली आंसर इज की बोथ द पीपल नीड टू लाइक इच अदर फॉर द रिलेशनशिप टू मूव फॉरवर्ड तो जहां पे भी वन साइडेड लव होता है वहां पे वाइल्ड uh, बहुत टफ होता है किसी को भूल पाना uh, बहुत uh, मेहनत लगती है बहुत एफर्ट लगता है बट आगे की खुशहाली के लिए जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम उस पार्टनर को ढूंढें जिसका भी मन हमारे प्रति झुका हो जिसके साथ हम आगे एक खुशहाल जिंदगी के बारे में सोच सकें तो दैट इज वॉट आई हैव टू से फॉर वन साइड लव अनुसुया जी चाहे आप किसी को करें या कोई आपको करे इट इज बेस्ट कि रिलेशनशिप वहीं बढ़ाई जाए जहां पे दोनों ही साइड का प्यार हो तो uh, एक uh, शमा जी का क्वेश्चन है हेलो माय नेम इज खुशहाल खुशल शर्मा स्टडी कैसे करता है uh, डेफिनेटली अगर आप स्टडीज़ के मुकाम पर हैं आप करियर बनाने के स्टेज पर हैं आई वुड सजेस्ट कि आप अपने स्टडीज की तरफ ध्यान दें रिलेशनशिप्स uh, uh, में अगर आप नहीं हैं तो पहले अपना करियर बनाइए एक मुकाम बनाइए खुद के लिए एंड देन थिंक अपाउट गेटिंग इन टू समनशिप इनकेस आपकी है कोई रिलेशनशिप एंड uh, आप स्टडीज भी आगे परसू करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि यू नीड टू लुक एट प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट कि आप रिलेशनशिप को भी एक अच्छे तरीके से उसके सही मुकाम तक लेके जाएं और जो आपकी पढ़ाई है उसको भी कंटिन्यू करें बिकॉज एंड ऑफ द डे बोथ करियर एंड रिलेशनशिप आर इक्वली इम्पॉर्टेंट ओके आई एम गेटिंग अनादर क्वेस् जिस पुटिंग स्पीकर hello hello hi welcome to love dating and shadi episode 2 hi hi this is sunny hi sunny so i have a question that i want to ask please go ahead so i had a relationship with someone uh, two years back and uh, it did not end well and uh, so, because of that, what's happening is that I am very scared to get into a new relationship. I'm not able to trust anyone new. And the previous relationship keeps haunting me uh, whenever I try to get into a new relationship. And it's making it very difficult for me to trust someone new now. So, uh, what's happening is that all the issues and all the uh, problems that I've faced in the previous relationship is actually making me relationship phobic, and uh, so, in a way, I'm very scared to get into a new relationship now. So, do you have any advice on this? Is it normal? Is it okay? What do you think? Uh, absolutely, uh, a good question, and a lot of uh, people uh, in the entire world go through this. Uh, so. सनी वॉट आई वुड सजेस्ट इज दैट फर्स्टली यू नीड टू गिव टाइम टू योर सेल्फ़ टू हील जब हम किसी रिलेशनशिप uh, के साथ रिलेशनशिप uh, से निकलते हैं तो हमारा जो पास्ट है वो हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर को हॉन्ट करता है विच इज़ एग्जैक्टली वॉट इज़ हैपनिंग विथ यू तो इससे निकलने के uh, का एक ही तरीका है सबसे पहले टू हील योर सेल्फ and how do you do that you need to spend time with yourself to understand uh, your own being to ensure इंश्योर कि आप अकेले भी खुश रह सकते हैं हम किसी और को खुशी तभी दे पाएंगे जब हम खुद अपने वजूद में खुश हों तो सबसे पहले आप अपने आप को टाइम दे हील करने का इट्स बीन टू ईयर्स यू पॉइंटेड इट आउट बट फॉर डिफरेंट पीपल डिफरेंट पर्सनैलिटीज इट टेक्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम आई uh, थिंक अभी आप पूरी तरह से हील नहीं हुए हैं तो थोड़ा और टाइम लीजिए राधर देन थिंकिंग अबाउट गेटिंग इन टू अलेशनशिप इंजॉय न्यू एक्सपीरियंसिस नए लोगों से मिलिए अपने आप को uh, जो आई डोंट नो इफ यू इन द सेम सिटी और इन द सेम इन्वायरमेंट बट अपना एनवायरमेंट चेंज करने की कोशिश कीजिए जैसे जैसे आप एक नए इन्वायरमेंट में जाएंगे पास्ट की जो पिक्चर्स हैं वो भी धुंधली होती जाती हैं और अपने पे वर्क कीजिए अपने आप को खुद में खुशी ढूंढना सिखाइए एंड देर आर ऑफ़ वेज टू डू दैट यू कैन डू स्टार्ट डूइंग योगा यू कैन गेट इन टू मेडिटेशन यू कैन गेट इन टू राइटिंग जो भी चीज आपको इंटरेस्ट करती है या कोई ऐसी चीज है जो आप लाइफ में करना चाहते थे बट आपने नहीं किया किसी एक uh, या दो तीन चीजों पे फोकस कीजिए ताकि जो आपका अटेंशन है आपके पास से डाइवर्ट होके जो नए मुकाम को आप हासिल करना चाहते हैं नए गोल्स को हासिल करना चाहते हैं उस पर जाए इन्वायरमेंट सेकेंड अपना एन्वायरमेंट चेंज कीजिए नए लोगों से मिलिए नए एक्सपीरियंसेस कीजिए एंड तीसरी चीज गिव योर सेल्फ एज मच टाइम इज नीडेड देर इज नो हरी टू गेट इन टू न्यू रिलेशनशिप ओनली वेन यू फील That you've come out of the past and you are ready to start looking for your future partner, only then you start that exercise. So, uh, do these three things. I'm sure it will uh, go a long way in helping you heal. And my best wishes uh, with you, Sunny. I hope you're able to come out of it as a stronger person. Sure, sure, sure. Thank you. Thanks a lot. Thanks, Thanks a much. lot. Thank <laughs> you. Thanks. सो वी गॉट इन क्वेश्चन इन द चैट इट सेज हाउ टू चूज गर्ल फ्रेंड इसका कोई सही uh, या गलत आंसर नहीं हो सकता है uh, कोई भी पार्टनर uh, जब हम इट इज अबाउट वॉट क्लिक्स द बेस्ट फोर यू हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है सबकी यूनिक क्वालिटीज होती हैं फॉर मी एवरी पर्सन आई मीड फॉर मैच मेकिंग पर्पज कम्स विद दे ओन यूनिक सेट ऑफ़ क्वालिटीज़ दे ओन यूनिक सेट ऑफ़ नीड्स तो आपकी आ, क्या क्वालिटीज़ हैं आप किस किस्म की आ, लड़की या लड़के के साथ बेटर फिट बैठेंगे ये चीज़ बहुत यूनिक होती है बट तीन चार चीज़ें जो आपको गाइड कर सकती हैं वो ये होता है सबसे पहला शेयर वैल्यू सिस्टम जो आपकी फैमिली वैल्यूज़ हैं आउटलुक की वैल्यूज हैं आप जो इंटरक्शन लोगों के साथ करते हैं उसमें थोड़ी सिमिलैरिटी होनी चाहिए शेयर्ड इंटरेस्ट अगर आप दोनों का किसी एक चीज के प्रति रुझान है तो इजी हो जाता है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना थर्ड इज हाउ यू वांट टू स्पेंड योर मनी फाइनेंशियल मैटर्स पे अगर आप लोगों की सहमति है तो भी आसान होता है अगर आप दोनों बिग स्पेंडर्स हैं या आप दोनों सेवर्स हैं तो नोकझोंक थोड़ी कम होती है तो ये तीन चार चीजें हैं जो डेफिनेटली आप लुकआउट कर सकते हैं टू तो फिगर आउट हु इज गुड और हु इज मोस्ट सुटेड फॉर यू एक न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टडी थी uh, जिसमें उन्होंने 36 क्वेश्चंस टू फॉल इन लव पे काफी रिसर्च करके काफी सारे साइकोलॉजिस्ट थे जो होप कम आउट विदर्टी सिक्स क्वेश्चन टू फॉलो इन लव तो किसी को भी अगर आप पसंद करते हैं तो दीज क्वेश्चन विल हेल्प यू नो ईच अदर्स पर्सनैलिटी बेटर ये थर्टी सिक्स क्वेश्चन टू फॉलो इन लव आप गूगल करेंगे बहुत आसानी से मिल जाएगा एंड इन फैक्ट वी एट हंस मैट्रिमोनी वूइंग मैच मेकिंग do take help of these questions to assess the compatibility between the boy and the girl so you guys can also use it also if you are liking our content please do show some love uh, bell button ko click kare, subscribe kare like kare and do keep the comments flowing uh, we've gotten one uh, hello from somya hi somya uh, nice to have you here do feel to ask any questions troubling you ये जो हमने लव डेटिंग शादी के एपिसोड्स बनाए हैं इनका सोल पर्पस है आप लोगों को रिलेशनशिप रिगार्डिंग कोई भी इश्यूज आ रहे हैं कंसर्न्स आ रहे हैं वो आप हमसे खुल के पूछ सकते हैं इफ़ यू डू नॉट वांट टू डिस्क्लोज़ योर नेम दैट इज आल्सो ओके बिकॉज यहाँ मकसद आ, हमारा आपको मदद करने का है हेल्प आउट करने का है आ, ये जो आंसर्स uh, आपको दिए जा रहे हैं दिस इज बेस्ड ऑन अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ लॉर्ड ऑफ कपल्स वीव ऑब्जर्व अ लॉर्ड ऑफ पीपल वीव डन मैच मेकिंग फोर एंड वी आर श्योर कि ये सारे टिप्स uh, आपको हेल्प करेंगे अपनी रिलेशनशिप सक्सेसफुली चलाने के लिए ऑल्सो uh, अगर आप पार्टनर की सर्च में हैं एंड <coughs> आपको पार्टनर ढूंढने में uh, किसी तरीके की हेल्प या गाइडेंस चाहिए काउंसलिंग चाहिए तो यू कैन कनेक्ट विथ हार एट हंस मैट्रोमनी आई विल गो आउट ऑफ द सेशन नाउ थैंक्स लॉट टू ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग द सेशन वी लव द क्वेश्चन सी यू अगेन समटाइम्स सून बाय टेक केयर डू सब्सक्राइब टू हंस टीवी